हाई फ्रेंड्स सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अमाइनो एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था जिस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड स्पेसिफिकली एक, -एक अमाइनो एसिड का हम लोग स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा उसमें कौन कौन से साइड चेन होते हैं सो लेट स्टार्ट करते हैं नाउ सब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स सो जो अमाइनो एसिड होते हैं दे आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स वन इज स्टैंडर्ड एंड अदर वन इज नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड नाउ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड क्या है ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर दीज आर अमाइनो एसिड्स विच आर प्रजेंट इन द ह्यूमन प्रोटीन ये क्या होते हैं ह्यूमन प्रोटीन में ये अमाइनो एसिड्स प्रजेंट होते हैं सो so, ऐसे अमाइनो एसिड को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स ना देर आर अराउंड ट्वेंटी अमाइनो एसिड्स हैं ट्वेंटी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं अभी ये जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं दीज आर डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स तीन ग्रुप में क्या है ये डिवाइडेड जैसे नंबर वन विथ नॉन पोलर साइड चेन जो इनका साइड चेन है वो क्या है नॉन पोलर है तो ऐसे अमाइनो एसिड के ग्रुप एक अलग ग्रुप है सेकेंड ग्रुप किसका है जिसके पास अनचार्ज पोलर ग्रुप होता है मीन्स उनके पास पोलर ग्रुप होता है ऐसे अमाइनो एसिड का अलग अलग ग्रुप है एंड थर्ड वन इज़ अ चार्ज पोलर ग्रुप पोलर ग्रुप भी है प्लस चार्जेस भी है उनके ऊपर तो जो पोलर चार्ज ग्रुप वाले हैं उनके सब टाइप्स हैं पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज सो नॉन पोलर एसिड में नाइन अमाइनो एसिड आते हैं हम लोग एक एक के बारे में भी देखेंगे ये तो जनरल क्लासिफिकेशन है बस अनचार्ज वाले में सिक्स अमाइनो एसिड्स हैं एंड तीन एंड दो अमाइनो एसिड्स हैं पॉजिटिवली चार्ज में एंड निगेटिवली चार्ज रिस्पेक्टिवली में तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के बारे में नाउ वी विल टॉक अबाउट एक एक के बारे में सो फर्स्ट इज अमायनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन सो इसमें आते हैं नौ अमाइनो एसिड्स विच आर ग्लाइसिन एलानिन वैलिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन प्रोलिन म्यूथियोनिन फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफेन तो ये जो नौ अमाइनो एसिड्स हैं दिस कम्स अंडर द अमाइनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन नाउ द फर्स्ट वन द फर्स्ट वन विच इज दिस इज अ ग्लाइसिन ग्लाइसिन में क्या उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इट इज अ वेरी सिम्पले स्ट्रक्चर और इसके पास जो स्पेशल ग्रुप जो आर ग्रुप प्रेजेंट होता है वो क्या होता है आर ग्रुप नौ सेकंड जैसे जैसे इट इज uh, हम लोग आगे बढ़ेंगे द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आर ग्रुप विल बी इंक्रीजिंग सो फर्स्ट इज अ ग्लाइसिन विच इज़ वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर सेकेंड वन इज एन एलनिन ये एलनिन के पास क्या होता है इट हैज मिथाइल ग्रुप इसके पास देखो मिथाइल ग्रुप है एज अ साइड चेन के फॉर्म में और इसको डोनेट करते डिनोट करते हैं बाय थ्री लेटर वर्ड इज एल एंड अ सिंगल लेटर इज ए ना द नेक्स्ट इज अ वैलिन वैलिन के पास क्या होता है इट हैज आइसो प्रोपाइल ग्रुप सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री ये आइसो ग्रुप इट एक्ट एज अ साइड चेन ये साइड चेन के फॉर्म में अटैच होता है इसको हम डिनोट करते हैं बाय थ्री लेटर वर्ड वी एल वैलिन से एंड वन लेटर वर्ड डेजिग्नेशन जो है वो है वी नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट है ल्यूसिन इन ल्यूसिन आइसोब्यूटाइल ग्रुप ये जो ग्रुप है सी एच टू सी एच टू सी एस थ्री सी एस थ्री ये जो इस ग्रुप का नाम है आइसो ब्यूटाइल ग्रुप विच इज प्रेजेंट एज अ साइड चेन के फॉर्म में बाकी तीन नॉर्मल है इट इज डिनोटेड बाई एलई यू थ्री लेटर वर्ड डेजिग्नेशन इज अ एल ई यू एंड सिंगल लेटर डेजिग्नेशन इज ओनली एल द नेक्स्ट द नेक्स्ट वन इज असोल्यूसिन आइसोल्यूसिन इसके पास होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप जो ये ग्रुप है इस नेम ऐसा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप चार कार्बन है फोर कार्बन सो इट इज अ सेकेंड्री ब्यूटाइल ग्रुप होता है इसको हम डिनोट करते हैं बाई आई एल ई एंड सिंगल लेटर वर्ड इज अव द नेक्स्ट वन द नेक्स्ट वन इज अ प्रोलिन ग्रुप ना प्रोलिन की एक खासियत इज अ बल्जियस्ट इट हैज वन इमिनो ग्रुप इज प्रजेंट दिस इज सी एच जो रिंग है इस रिंग को हम लोग बोलते हैं इमिनो ग्रुप दिस इमिनो ग्रुप प्रेजेंट इन अ प्रोलिन स्पेसिफिकली इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाई पी आर ओ एंड सिंगल लेटर इज अ पी

इथर के ऐसा स्ट्रक्चर है और इसमें सल्फर है इसलिए थायो इथर ग्रुप इसमें पाया जाता है जिसको हम लोग एम इज थ्री लेटर वर्ड एंड सिंगल लेटर वर्ड इज एम नेक्स्ट वन इज अ फिनाइल एलानिन नाउ फिनाइल एलानिन इज डिनोटेड इज डिनोटेड बाय पी एच ई एंड अ सिंगल लेटर वर्ड इज एफ इसमें होता है फिनाइल रिंग होता है कोई रिंग दिख रहे हैं दिस रिंग रिप्रेजेंट द फिनाइल ग्रिंग फिनाइल ग्रुप इसलिए इसका नाम है फिनाइल एलानिन द लास्ट वन इज अ ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन इसके पास एक होता है इंडोल रिंग हम लोग एक्सपेरिमेंट में करते हैं कि इंडोल टेस्ट पॉजिटिव और निगेटिव सो इंडोल टेस्ट इसी बेसिस पर होता है इंडोल रिंग पे सो दिस इज अ इंडोल रिंग का स्ट्रक्चर है जो कि साइड चेन के फॉर्म में होता है इन अ ट्रिप्टोफैन विच इज डिनोटेड बाई टी आर पी एंड अ सिंगल लेटर इज अ डब्लू तो ये थे नाइन अमाइनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन के फॉर्म में ना द नेक्स्ट वन द नेक्स्ट वन इज अ एन एसिड विथ अनचार्ज पोलर साइड चेन मीन्स इसके पास पोलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट होते हैं बट दे आर चार्ज इनके पास निगेट चार्जलेस मीन्स इनके पास कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं होता है जैसे द फर्स्ट वन द फर्स्ट वन इज अ अन ना इन सीरीन इट इज डिनोटेड बाय एस ई आर थ्री लेटर वर्ड एंड ए सिंगल लेटर वर्ड इज एस जो उसको डिनोट करता है सीरीन को नाउ इन सीरीन मिथाइल ग्रुप क्या होता है प्रेजेंट होता है ये जो ग्रुप है इस नोन एज अ हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप नाउ सेकेंड इज अ थ्रियोनिन इन थ्रियोनिन ऑल्सो इट कंटेन्स वन हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप इसमें हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप था तो इसमें क्या होता है वन हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको हम डिनोट करते हैं बाई टी एच आर थ्री लेटर वर्ड एंड टी एज अ सिंगल लेटर वर्ड के फॉर्म में नाउ द नेक्स्ट वन इज अ सिस्टीन सिस्टीन के पास इट ऑल्सो कंटेन सल्फर ग्रुप थायोल ग्रुप क्या करता है कंटेन करता है और जो स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट है जिसका नाम हम बोलते हैं सल्फाइड्रिल सल्फाइड्रिल ग्रुप क्या होता है प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग सल्फाइड ग्रुप बोलते हैं ना so, सिस्टीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेटर सी वाई एस एंड सिंगल लेटर इज सी इज यूज ना नेक्स्ट वन इज एस्पार्जिन इन एस्पार्जिन कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट जिसको हम लोग अमाइड ग्रुप बोलते हैं सो हियर अमाइड ग्रुप इज प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग थ्री लेटर वर्ड में ए एस पी एंड अ सिंगल लेटर वर्ड में हम लोग उसको एन से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं द नेक्स्ट वन इज अ ग्लूटामिन एसिड और सॉरी ग्लूटामिन सो ग्लूटामिन कंटेन्स थ्री कार्बोक्सिल ग्रुप ये जो ग्रुप है इट्स नोन एज अ थ्री कार्बोक्सिल ग्रुप एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी एल एन एज अ थ्री लेटर वर्ड एंड यहाँ पे डिफरेंट है क्यू क्यू इज अ सिंगल लेटर इज यूज फॉर अ ग्लूटामिन द नेक्स्ट वन इज अ टायरोसिन इज एन एरोमैटिक ग्रुप इट कंटेन्स एन एरोमैटिक एज अ साइड चेन के फॉर्म में विथ इज अ फोर हाइड्रोक्सी बेनजाइल ग्रुप इट इज अ फोर हाइड्रोक्सी बेनजाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है नाउ इट इज बाई टी वाई आर एंड सिंगल इटर वर्ड आर नाउ द नेक्स्ट वन इज अ द एमाइनो एसिड विथ अ चार्ज पोलर साइड चेन एट पी एच सेवन सो so, इसमें दो ग्रुप थे पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज में सो एज अ पॉजिटिवली चार्ज में दे आर थ्री अमाइनो एसिड्स लाइसिन आर्जीडिन एंड हिस्टिडिन दीज आर पॉजिटिवली चार्ज एंड अस्पार्टेड एंड ग्लूटामेट इज अ नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड नाउ इन लाइसिन इन लाइसिन ब्यूटाइल अमोनियम साइड चेन ये जो है इसको बोलते हैं ब्यूटाइल अमोनियम लॉन्ग साइड चेन होता है विच इज ऑफ ब्यूटाइल अमोनियम साइड चेन होता है सेकेंड इज एन आर्जिनिन इन आर्जिनिन आर्जिन ग्रुप होता है जिसे गुआनेडिन ग्रुप जिसको मेरे करते हैं ए आर जी एंड आर से इन हिस्टिडीन देर इज एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से किसकी वजह से इमिडियोजोल रिंग ये जो रिंग है उसका नाम है इमिडियोजोल रिंग इस रिंग की वजह से क्या होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इन निगेटिव चार्ज देर आर टू टू अमाइनो एसिड्स एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट नाउ एस्पार्टेट इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डी वेद द अमाइनो एसिड्स जो साइड चेन में है एस्पार्टेट के एस्पार्टेट uh, के इज ए टू कार्बोक्सल ग्रुप एंड ग्लूटामिक में uh, जो ग्लूटामेट में है इट इज़ एन थ्री कार्बोक्सिल ग्रुप तो ग्लूटामेट को रिप्रेजेंट कर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जी एल यू ई का यूज़ करते हैं एंड एसपार्टेट को हम लोग ए एस पी डी का यूज़ करते हैं तो ये था ट्वेंटी अमाइनो एसिड का क्लासीफिकेशन Now, इसी क्लासिफिकेशन एक और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच आर ग्रुप इज कंटेंट सो एलिफेटिक जो कंटेन करते हैं इट इज़ ए ग्लाइसिन एलानिन वैलिन एंड ल्यूसिन एरोमेटिक फिनाइल एलानिन टायरोसिन ट्रिप्टोफे एंड ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करते हैं सीरील एंड थ्रियोनिन कार्बोक्सिल ग्रुप में एस्पार्जिन एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड सल्फर कंटेनिंग में मिथ्योनिन एंड सिस्टीन इमिनो ग्रुप प्रोलिन करता है अमाइनो ग्रुप लाइसिन एंड आर्जिनिन एंड अमाइड ग्रुप में आर्जिनिन एंड ग्लूटामिन ग्रुप क्या करते हैं करते हैं सो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स एक एक के बारे में सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर मोर वीडियो स्टे विथ अस एंड कीप फॉलो अस ऑन फेसबुक इंस्टा इंस्टा ऑन ए मानस ट्यूटोरियल So thank you.